गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदया। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीया माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में विराजमान शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों और भाइयों, ये गायत्री मंत्र इतना अद्भुत, इतना महाशक्तिशाली मंत्र है। जिस समय विश्वामित्र जी शोध कर रहे थे, उन्होंने देखा कि सूर्य की ही प्राण शक्ति ये सारे में व्याप्त है, सबको जीवन सूर्य से ही मिला है। वो उनके चिंतन में और गायत्री में इतने लीन हो गए कि उनके अंदर के और बाहर के सारे कषाय कलमश धुल गए, मन के धुल गए, शरीर के धुल गए और वो दृष्टा बन गए। गुरुदेव ये कहते थे गायत्री मंत्र इतना शक्तिशाली मंत्र है कि इसको एक तरह से ब्रह्मास्त्र कहा जा सकता है। अगर सारे विश्व के लोग एक साथ, सारे नहीं तो आधी संख्या भी एक समय मिलकर एक साथ अगर उच्चारण करें तो 60,000 खरब मेगावाट इतनी ऊर्जा पैदा कर सकती है जो सारे विश्व को घंटों प्रकाश दे सकती है। ये गायत्री मंत्र इतना मूल्यवान है, इतना 33 कोटि देवताओं को जगाने के लिए जो मंत्र जाप किए जाते हैं उन सब का अकेला सार है। गुरुदेव कहते रहे अगर गायत्री सिद्ध करनी है तो इसके 3 चरण हैं कि उपासना साधारणतः कहते हैं पास बैठने को, मूर्ति के पास बैठ गए, चित्र के पास बैठ गए, उससे कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क हाँ उस चीज़ से पड़ता है कि हम उनके गुणों को अपने अंदर आत्मसात करें। ठंडक के पास बैठते हैं, एसी में बैठते हैं तो ठंडक मिलना शुरू हो जाती है, अग्नि के पास बैठते हैं गर्मी मिलना शुरू हो जाती है, और खुशबू के पास बैठते हैं खुशबू मिलना शुरू हो जाती है। जिसके पास बैठे हों उसके गुणों का अंदर समावेश न हो तो उससे क्या फ़ायदा? गुरुदेव अपने प्रवचनों में अक्सर एक उदाहरण दिया करते थे, कहते थे उपासना उसका नाम है जिसमें अपने संपूर्ण भाव अपने इष्ट आराध्य के चरणों में समर्पित किए जाते हैं। एक ही बात कही जाती है, ए मालिक तेरी रजा रहे, तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे। समर्पण इस स्थिति का हो तो उपासना सार्थक होती है, बिना उसके तो एक व्यायाम भर हो जाएगा, माला जप रहे आप खिसकाते जाइए केवल उंगलियों का व्यायाम हो जाएगा, लेकिन आपके अंदर कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जब तक वो पूरा समर्पण न हो। दूसरा चरण गुरुदेव साधना का बताते रहे, अपने आप को साधना सर्वोपरि है, अपने अंदर के कसाय कलमश अपनी बुराइयों को छोड़ने का नाम साधना है। दिवाली का त्यौहार आता है, हम तमाम दुनिया भर की सफाई रंगाई पुताई ये सब शुरू कर देते हैं, इसलिए ये सोच के सफाई होगी, माता लक्ष्मी हमारे घर में अवतरित होंगी, हमारे घर में साक्षात विराजमान होंगी, और घर गंदा है तो लक्ष्मी जी आएंगी नहीं। वो लक्ष्मी जी एक दिन के लिए जो आपके घर में आने वाली थी उसके लिए आप इतनी रंगाई पुताई करते रहे, लेकिन अगर ईश्वर साक्षात आपके अंतरंग में आना चाहता है, जीवन में आना चाहता है और मन मैला है, कहाँ बिठा सकेंगे? माता जी के गीत आपने सुने होंगे, उसमें एक गीत है, कोठरी मन की सदा रख साफ बंदे, कौन जाने कब स्वयं प्रभु आन बैठे, तुम बुलाते हो उसे यदि भावना से, कौन जाने कब निमंत्रण मान बैठे। वो निमंत्रण मान ही बैठा है तो
कहाँ बिठा सकेंगे? मलिनताओं से भरे अंतकरण में, राग द्वेष से भरे अंतकरण में, अहंकार से भरे अंतकरण में, सब मलिनताएं भरी हैं, तो इस कीचड़ भरे अंतकरण में भगवान कहाँ बिठा सकेंगे? नहीं बिठा सकेंगे। अगला चरण गुरुदेव आप बताते रहे आराधना का। आराधना अपने समय श्रम प्रतिभा समाज के लिए लगा देने का नाम है। हम जिंदगी भर जन्म से लेकर मृत्यु तक इस समाज के ऋणी हैं। जन्म लेते हैं तो समाज के बीच में, बोलना सीखते हैं तो समाज के बीच में, खाते हैं उठते बैठते जाते हैं जो भी कुछ सीखते हैं उसमें समाज का ही हर पल योगदान रहता है। हम अगर समाज को अपने कुछ भाव प्रकट करके न दे सके, उसके कर्ज से उऋण न हो सके, तो कैसे हमारी आराधना पूरी होगी? एक छोटी सी कहानी थी। एक नदी के किनारे एक पत्थर था। उसके मन में आया, लोग यहाँ रोज़ नहाने आते हैं, कुछ काम करने आते हैं, रेत होने की वजह से पैर धंसने लग जाते हैं, इनको कोई आधार नहीं है, क्यों ना पानी में जाके स्थिर हो जाऊं, तो लोग खड़े होके बैठ के अपना स्नान ध्यान कर सकेंगे। पत्थर लुढ़कता लुढ़कता नदी में चला गया। पास ही एक नारियल का पेड़ था। नारियल कहने लगा, अरे पत्थर, ये भी क्या जिंदगी है? अपमान भरी जिंदगी, तिरस्कार भरी जिंदगी, लोग रोज आते हैं तो वह पैरों तले रौनते हुए चले जाते हैं, कोई गंदगी छोड़ जाता है, लहरें आती हैं तो वह थपेड़े देते हुए चली जाती हैं, टकराती चली जाती हैं। पत्थर अपना काम करता रहा, लहरें अपना काम करती रही, टकराती रही, कभी कोई कोना टूटता रहा, कभी कहाँ लुढ़काती रही, लेकिन पत्थर यही सोचता रहा, मैं साधनहीन हूँ तो क्या, लेकिन भावना मेरे पास है, मैं भी समाज के किसी काम आ सका होता तो। वो पत्थर रोज लुढ़कता पुढ़कता उसका आकार ही बदलता हुआ चला गया। एक दिन आंधी आई, आंधी के साथ साथ नारियल ऊपर से टपक टपक नीचे गिर पड़े। राहगीर वहाँ से निकले, उनने देखा नारियल है, इसका क्या किया जाए? कुछ ने सोचा घर ले जाते हैं, कुछ ने सोचा नहीं नारियल है, इसको मंदिर में चढ़ा देते हैं। वो मंदिर में गए, उन्होंने भगवान के चरणों में नारियल को रखा। नारियल ने जब गर्दन ऊपर उठाई, ये देख के हैरान रह गया नारियल कि वो पत्थर जिसको वो हमेशा बोलते रहे, रे पत्थर, ये अपमान भरी जिंदगी, तिरस्कार भरी जिंदगी, पैरों तले रौंदे जाने वाली जिंदगी जीना कोई अच्छा लगता है क्या? वही पत्थर जो लोक मंगल के रास्ते पर चल रहा था, आज शालिग्राम बना बैठा, पूजा के स्थान पर है, और वो नारियल जो दम से सिर उठाकर ऊपर टंगा था, वो उसके चरणों में विसर्जित है। हमारी वो आराधना जो किसी समाज के काम में आ सके, वो हमारी साधना सफल होती हुई चली जाएगी अगर हमने ये तीनों कर्म कर लिए। हमारा गायत्री मंत्र सिद्ध होता हुआ चला जाएगा अगर हम इस रास्ते पर कुछ कर सके। बच्चों को रोता बिलखता छोड़कर चले गए, लेकिन माँ ने हिम्मत रखी और बच्चों को कलेजे से ही नहीं लगाया, उनके आंसू ही नहीं पहुँचे। उनसे कहा, बेटा अपने आप को अकेला महसूस मत करो, उनको अष्टमेधिक पुरुषार्थ देकर उनको आगे बढ़ाया। सारे देश से लेके विदेश तक जितने भी अश्वमेध हुए, माता जी की संकल्प शक्ति और बच्चों का मनोबल उठाने के लिए। बच्चों ने भी ये कहा, माँ आपका संकल्प है तो आपके बच्चे पीछे नहीं हटेंगे। अब उस माँ की जन्म शताब्दी और अखंड दीप की जन्म शताब्दी 2026 में आती है। अब बच्चे फिर से संकल्प लें कि हम जन जन तक, गांव गांव तक, हर व्यक्ति तक उन सपनों को लेके जाएंगे, गुरुदेव के साहित्य को लेके जाएंगे, गुरुदेव के संकल्पों को लेके जाएंगे। वो हीरे मोती जो हमारे आसपास हैं वो जगमगाएंगे और सारे देश को आलोकित करते हुए जाएंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपने भाइयों बहनों के लिए प्रार्थना करूंगी गुरुदेव से, माता जी से, कि ये जब आते थे पहले तो
तो दूर से ही हंसते खिलखिलाते आते थे कि गुरुदेव माता जी के पास जा रहे हैं, हमारी चिंता का समाधान हो जाने वाला है। लेकिन आज किससे कहें, विश्वास रखना गुरुदेव माता जी हर पल अपने बच्चों के साथ हैं। जिस समय आप सोए होंगे उनका हाथ आपके सिर पर घूमता हुआ चला गया होगा, वो कहता हुआ चला गया होगा बेटा तू परेशान है तो मैं कैसे मन शांत हो सकता है, मेरे पुण्य का तप का हर अंश तुम्हारे लिए है। ये सुनते थे कृष्ण की बांसुरी में वो मिठास थी कि उनके प्यार में सब भगे चले आते थे। उस कृष्ण की बांसुरी और उस कृष्ण को तो देखा नहीं, लेकिन हाँ गुरुदेव माता जी के उस प्यार को जरूर देखा है। एक ही बात कहने को मन करता है, अन्नदान और वरदान प्रभु जो मांगे उनको दे देना, गुरुदेव हमें निज अंतर की पीड़ा में हिस्सा दे देना। ओम अब आप शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल देखें कभी भी कहीं भी। डाउनलोड करें शांति कुंज वीडियो मोबाइल ऐप, उपलब्ध है गूगल प्ले स्टोर एवं एप्पल स्टोर पर भी। हमारे यूट्यूब चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।